भारतवर्ष में 30 प्रजातियों के उल्लू पाए जाते हैं। उल्लू एक ऐसी प्रजाति है जो हमारे जो खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को नियंत्रित करने में बहुत कारगर काम साबित होते हैं। इसी तरह से ये उल्लुओं का चूहों के बारे में ही नहीं, इवन ये जो किसान को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को भी ये सफाया करते हैं। यानी कि हम लोगों को जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज़ करके हम जिन चीज़ों को नियंत्रित करते हैं, इन चीज़ों को ये नेचुरल वे में नियंत्रित करने में मदद करते हैं। श्रवण शक्ति के आधार पर, यानी कि जो सुनने की जो शक्ति के आधार पर ये इन चीज़ों इन चूहों को मार गिराते हैं। जैसे आज के डेट में हम लोगों को उल्लुओं को जो पकड़ के, जैसे हम लोग एक तरफ तो हम उसको लक्ष्मी देवता का वाहन भी मानते हैं और दूसरी ओर इसके वजह से हमको संपत्ति मिलता है इसकी पूजा करने पर, इसको सेक्रीफाइस करने पर। इस कारण से जो उल्लुओं को हम लोग पकड़ के उनको दीपावली के आसपास उनकी सेक्रीफाइस भी कर देते हैं, जिसका किसी प्रकार का कोई भी आधार नहीं है कि किसी एक उल्लू को सैक्रिफाइस करने में किसी आदमी कोई धनवान बन जाता हो। एक प्रकार का उल्लू होता है, वो उसको कहते हैं बान आउल। वो सुनने में आया है कि इसराइल और ये मिडल ईस्ट में जो कंट्रीज हैं, इन किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसने 3,500 से लेके 5,000 चूहे साल में मारे हैं। उल्लू के की वजह से किसानों ने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ करना कम कर दिया है, तो इससे फ़ायदा तो हमें ही होता है। खाने को हमें ही अच्छा खाना मिलेगा जिसमें मिलावट नहीं होगी, जिसमें केमिकल नहीं होंगे। तो उल्लुओं का यूज़ करने से सबको फ़ायदा है, किसानों को भी होता है और हम लोगों को भी होता है जो सब्जियां खरीदते हैं। सो मुझे लगता है कि उल्लुओं को ये जादू टोना के लिए नहीं यूज़ करें तो अच्छा होगा, क्योंकि इससे उल्लुओं से प्रूफ करा गया है दूसरे देशों में कि इनका जो उपलब्ध हो सकता है वो फ़ायदेमंद के लिए हो सकता है। भारत में करोड़ों लोग खेती करते हैं। ये करोड़ों लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं फर्टिलाइज़र्स में, केमिकल्स में, क्योंकि इनके खेतों में चूहों की प्रॉब्लम होती है, कीड़े होते हैं। इनको मारने के लिए फर्टिलाइज़र और केमिकल्स के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरे ख्याल से एक उल्लू के होने से ये काफ़ी चीज़ें हट सकती हैं। ये चूहे खा सकते हैं, कीड़े खाते हैं। इनके होने से किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, उनके पॉकेट पे भी, उनको इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा केमिकल पे, फर्टिलाइज़र पे, और जो वो उगाते हैं वो केमिकल फ्री और फर्टिलाइज़र फ्री भी होंगे, तो हमें खाने को भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि अनावश्यक एक मूड या अंधविश्वास के कारण हम लोग इन लोगों को मार देते हैं, उससे बचा जाए, जिससे कि हम लोग एक स्वस्थ अनाज को, स्वस्थ धान को हम खा सकें।